नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कुछ तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैं आपको इन दिनों लगातार वीडियो नहीं दे पा रही हूँ, नहीं चैनल पे अपने डाल पा रही हूँ, लेकिन जितनी कोशिश हो सकेगी मैं आपको जल्द से जल्द ये पुस्तक पूरी कराने की कोशिश करूंगी। अब बहुत ज्यादा नहीं रह गई है, कुछ ही वीडियो में ये आपकी पुस्तक रामचंद्र शुक्ल जी की पूरी तरह समाप्त हो जाएगी और हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रश्नों का अभ्यास आपका लगातार चल ही रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि शुक्ल जी की पुस्तक आपको अच्छे से तैयार कर देगी। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की, उसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले सभी कमेंट्स करने वालों को, लिखने वालों को, मेरा वीडियो शेयर करने वालों को और लाइक करने वालों को बहुत बहुत। चलिए द्विवेदी जी की बात शुरू करते हैं। इस बात के उन्होंने दो लेख, क्या हिंदी नाम की कोई भाषा नहीं, सरस्वती में सन 1913 में और आर्य समाज का को सरस्वती में ही और सन 1914 में अच्छे उदाहरण है। उनके कुछ अंश नीचे दिए जाते हैं, चलिए अंश देख लेते हैं। आप कहते हैं कि प्राचीन भाषा मर चुकी है और उसे मरे 300 वर्ष हुए। इस पर प्रार्थना है कि वह कभी भी इस पर प्रार्थना है कि ना वह कभी मरी है मरी और ना उसके मरने के कोई लक्षण ही दिखाई दे। यदि आप कभी आगरा, मथुरा, फर्रुखाबाद, मैथिली और इटावा तशरीफ ले जाए तो कृपा करके वहाँ के एक आधा अपर प्राइमरी और मिडिल स्कूलों का मुआयना ना सही तो मुलाहिजा अवश्य ही करें। देखिए, मुआयना का तो शब्द मुझे अर्थ समझ आ रहा है, मुलाहिजा का जिसको भी अर्थ बताओ प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा मुझे। अपर प्राइमरी ठीक है, मुआयना ना सही तो मुलाहिजा अवश्य ही करें। ऐसा करने से आपको मालूम हो जाएगा कि जिसे आप मुर्दा समझ रहे हैं वह अब तक इन जिलों में बोली जाती है। अगर आपकी इस भाषा नामक भाषा को 300 वर्ष हुए तो कृपा करके ये बताइए कि श्रीमान जी के सात धर्मी काजिम अली आदि कवियों ने किस भाषा की कविता की। 1700 ईस्वी से लेकर ऐसे अनेक मुसलमान कवि हो चुके हैं जिन्होंने भाषा में बड़े बड़े ग्रंथ बनाए हैं। हिंदू कवियों की आप खबर ना रखते हो तो कोई विशेष आक्षेप की बात नहीं ना थी। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखते हैं। ऑनरेबल असगर अली खान की पांचवी उक्ति ये है कि उर्दू या हिंदुस्तानी ही यहाँ के सात देश भाषा है। आपके इस कथन की सच्चाई की जांच सहज में ही हो सकती है। उबर हाली साहब के दीवान और दूसरे साहित्य सम्मेलन के सभापति के भाषण के जो अवतरण दिए गए हैं उन्हें खा साहब बारी बारी से एक बंगाली, एक मद्रासी और एक गुजराती और एक महाराष्ट्री को इस प्रांत के निवासी ना हो दिखावे और उनसे ये कहें कि इनका मतलब हमें समझा दीजिए। बस तत्काल मालूम हो जाएगा कि दो में से कौन सी भाषा अन्य प्रांतवासी अधिक समझते हैं। ठीक है, श्रीयुत असगर अली के इस कथन से कि उर्दू और हिंदुस्तानी इज द लैंग्वेज फ्रैंका ऑफ द कंट्री एक भेद की बात खुल गई। वह यह है कि आप लोगों की राय में हिंदुस्तानी और कुछ नहीं, उर्दू का ही दूसरा नाम है। अतः समझना चाहिए कि जब हिंदुस्तानी भाषा के प्रयोग पर जोर दिया जाता है तब हिंदुस्तानी नाम की आड़ में उर्दू का ही पक्ष लिया जाता है और बेचारी हिंदी के बहिष्कार की चेष्टा की जाती है। यहाँ तक चल रहा है द्विवेदी जी के काल तक, चाहिए तो उदाहरण दे रहे थे। चलिए, जिस समाज के विद्यार्थी बच्चों तक को अपने दोस्तों पर भूल डालकर दूसरों को धमकाने और बिना पूछे उन्हें नेक सलाह देने का अधिकार है, उनके बड़ों और विद्वानों को पराक्रम की सीमा कौन निर्दिष्ट कर सके। सही है ना। चलिए और उदाहरण देख लेते हैं। इस हमारे पास इससे भी बढ़कर कौतूहलजनक पत्र आए। बनावटी या सच्चा नाम देकर बी सिंह नाम के एक महाशय ने आगरा से पोस्टकार्ड हमें उर्दू में भेजा है। उसमें उनके दुर्वचनों और अभिशापों में के अनंतर इस बात पर भी दुख प्रकट किया गया है कि राज्य अंग्रेजी है।
अन्यथा हमारा सिर्फ धड़ से अलग कर दिया जाता। भाई सिंह दुख मत करो, आर्य समाज की धर्मोन्नति होती हो तो कर पुठार आगे यह सीस। मतलब अगर आर्य समाज की उन्नति हो रही है, धर्मोन्नति हो रही है, तो मेरा सीस हाजिर। चलिए बात करते हैं पंडित द्विवेदी जी को हम पहले समझ चुके थे। आज के वीडियो में हमने सिर्फ उनके उदाहरण देखे, अब हम बात करेंगे पंडित माधव प्रसाद मिश्र जी। मिश्र जी का जन्म पंजाब के हिसार जिले में भिवानी के पास पुंगड़ नामक ग्राम में भाद्र शुक्ल 13 संवत 1928 को और पल्लोक पास उसी ग्राम लेग से चैत्र प्रश्न 4 संवत 1964 को हुआ। ये बड़े ओजस्वी सनातन धर्म समर्थक, भारतीय संस्कृति के रक्षा के सतत अभिलाषी विद्वान। इनकी लेखनी में बड़ी शक्ति थी, जो कुछ ये लिखते थे बड़े जोश के साथ लिखते थे, इससे इनकी शैली बहुत प्रागल्भ होती। गौर होने के कारण मारवाड़ियों से इनका विशेष लगाव था। उनके समाज सुधार में ये उनका समाज सुधार ये हृदय से चाहते, इसी से वैश्योपकार पत्र का संपादन भार कुछ दिनों तक इन्होंने अपने ऊपर लिया, माधव प्रसाद मिश्र जी। ठीक है, जिस वर्ष सरस्वती निकली, सरस्वती पत्रिका, ठीक है, संवत 1957, उसी वर्ष प्रसिद्ध उपन्यासकार बाबू देवकी नंदन खत्री की सहायता से काशी में इन्होंने सुदर्शन नाम एक मासिक पत्र निकलवाया, जो सवा दो साल चलकर बंद हो गया। एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि एक कमेंट मुझे आया था कि मैडम वीडियो साफ बनाया करिए। देखिए, मैं स्क्रीन रिकॉर्डर से ये वीडियो बनाती हूँ, हो सकता है कहीं ब्लर आ जाता हो या कहीं कुछ ऐसी समस्या होती हो। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि वीडियो साफ बने, फिर भी अगर आपको वीडियो साफ नहीं लगता है या समस्या आ रही है तो शुक्ल जी की किताब सामने रखकर भी आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। ठीक है, चलिए। इसके संपादन काल में इन्होंने साहित्य संबंधी बहुत से लेख, समीक्षाएं और निबंध जोश में आने पर ये बड़े शक्तिशाली लेख लिखते थे। समालोचक संपादक पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इसी से एक बार लिखा था। क्या लिखा था मिश्र जी के बारे में, चलिए देख लेते हैं। देखिए, सुनने से आपको फायदा होगा क्योंकि शुक्ल जी की भाषा या इस तरह से किताबें पढ़ना कई बार थोड़ा सा बोझिल हो जाता है, सुना जा सकता है। एक दो बार सुन के जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि आप पुस्तक से परिचित हैं, आपको समझ में जल्दी आएगा। और शुक्ल जी के लिए आप बिल्कुल ये मत समझिएगा कि पुस्तक आपने बहुत, मुझे जहां तक अनुमान है कि बहुत अच्छी पकड़ रखने वाले विद्यार्थी भी, विद्यार्थियों की बात कर रही हूं, ठीक है, बहुत अच्छी पकड़ रखने वाले विद्यार्थी भी इस पुस्तक को एक बार पढ़कर तैयार नहीं मान सकते। तो दो तीन बार का प्रयास आपको करना पड़ेगा। लॉकडाउन या इस ये समय आपके लिए बहुत सुनहरा अवसर है, इसको दो तीन बार देखना है, दो बार सुन लीजिए, एक दो बार पढ़ लीजिए, तभी पुस्तक आपकी क्या जैसी आपकी मर्जी। मुझे लगता है ये पुस्तक आपको बहुत सकती है। चलिए देख लेते हैं क्या लिखा था मिश्र जी। किसी बिना किसी अभिनिवेश के लिख नहीं सकते, यदि हमें उनसे लेख पाने हैं तो सदा एक ना एक टंटा उनसे छेड़ ही रखा था। इसमें संदेह नहीं कि जहां किसी ना ने कहीं इसमें संदेह नहीं जहां किसी ने कहीं कोई ऐसी बात लिखी जो इन्हें सनातन धर्म के संस्कारों के विरुद्ध अथवा प्राचीन ग्रंथकारों के और कवियों के गौरव को कम करने वाले लगे कि इनकी लेखनी चल पड़े। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है, गुलेरी भी कह रहे हैं, तो थोड़ा सा खोजते रहिए, पूछते रहिए, और कैसे सनातन धर्म के विरुद्ध अगर कोई बात हो जाए या इस पे कोई परिचर्चा हो जाए, कोई बहस हो जाए, प्राचीन ग्रंथों या कवियों के बारे में ही अगर कोई ऐसी बात हो जाए तो ये तुरंत इनकी लेखनी चल पड़ती थी। ठीक है, पाश्चात्य संस्कृताभ्यासी विद्वान जो कुछ कच्चा पक्का मत यहाँ के वेद पुराण साहित्य संबंध आदि पर प्रकट करते थे, वे इन्हें खल जाते और उनका विरोध ही कर करते थे। इसी विरोध में तर्क, आवेश, भावुकता, सब एक अद्भुत मिश्रण है। वेबर का भ्रम इसी झोंक में लिखा गया था, है ना। वेबर जी ने कुछ कहा और उनका खंडन इन्होंने किसमें किया, वेबर का भ्रम। पंडित महादेव प्रसाद द्विवेदी
पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अपनी नैसधा चरित चर्चा में नैसधा में के कई बड़ी दूर की सूझ या अत्युक्त गुण पद्यों का अस्वाभाविक और सुरुचि विरुद्ध कह दिया। फिर क्या था, एक बार की ये पिल पड़े और उनकी बातों का अपने ढंग से उत्तर देते हुए लगे हाथ पंडित श्रीधर पाठक के गुणवत हेमंत नामक कविता की, जिसकी द्विवेदी जी ने बड़ी प्रशंसा की थी, नीरसता और इतिवृत्तात्मकता भी दिखाई। ये विवाद कुछ दिन चला। द्विवेदी जी से मुझे लगता है कईयों का विवाद हुआ। सही, तो इनसे क्या विवाद हुआ भाई, उन्होंने नैसदा के लिए कुछ कह दिया नैसदा चरित चर्चा के लिए, और इन्हें नहीं पसंद था कि प्राचीन चीजों के लिए कोई भी इस तरह की चीज बात कही जाए, तो ये उनसे बहस कर पड़े, उत्तर भी दिया, और साथ में जिसकी द्विवेदी जी ने प्रशंसा की थी, इसकी गुणवंत हेमंत श्रीधर पाठक, उसके भी नीरसता और इतिवृत्तात्मकता इन्होंने सामने रखी। मिश्र जी का स्वदेश प्रेम बहुत गंभीर था। ये संस्कृत के और पंडितों के समान देश दशा के अनुभव से दूर रहने वाली व्यक्ति नहीं थे। राजनीतिक आंदोलनों का के साथ इनका हृदय बराबर रहता था। जब देश पूज्य मालवीय जी ने छात्रों को राजनीतिक आंदोलनों से दूर रहने की सलाह दी थी, तब इन्होंने एक अत्यंत छोमपूर्ण खुली चिट्ठी उनके नाम छापी। मालवीय जी ने, मदन मोहन मालवीय जी ने क्या कहा था छात्रों से, कि आप लोग राजनीतिक आंदोलनों से दूर रहे, ये चीज मिश्रा जी को अच्छी नहीं लगी थी, तो उन्होंने बड़ी छोमपूर्ण चिट्ठी उनके लिए लिखी थी। देश दशा की इस तीव्र अनुभूति के कारण इन्हें श्रीधर पाठक की कविताओं में एक बात बहुत थकी। पाठक जी ने जहाँ ऋतु शोभा या देश छटा का वर्णन किया है, वहां केवल सुख आनंद और प्रफुल्लता का पक्षी उनकी दृष्टि पर ही उनकी दृष्टि पड़ी। देश की असंख्य दीन दुखियों के पेट की ज्वाला और कंकाल वत शरीर पर नहीं, मतलब उन्होंने सिर्फ सुखद पहलू ही देखे। देश में जो समस्याएं थी या जो दुख थे जनता के, या इस तरह की चीजों पर उनकी दृष्टि नहीं पड़ी। जबकि जो देश प्रेमी होगा ना, उसको सुखद चीजों के साथ साथ जो समस्याएं होंगी उस पर भी बराबर नजर रहेगी। मिश्र जी ने स्वामी विशुद्धानंद के बड़े जीवन चरित्र के अतिरिक्त और भी 200 व्यक्तियों के छोटे छोटे जीवन चरित्र लिखे, जिसमें कुछ संस्कृत के पुराने ढांचे के विद्वान तथा सनातन धर्म के सहायक सेठ साहूकार आदि। सुदर्शन में इनके लेख प्राय सब विषयों पर निकलते थे, जैसे पर्व त्योहार, उत्सव, तीर्थ स्थान, यात्रा, राजनीति आदि। पर्व त्योहारों तथा भिन्न भिन्न ऋतुओं में पड़ने वाले उत्सवों पर निबंध लिखने की जो परंपरा भावेंद के सहयोगियों ने चलाई थी, वह इस द्वितीय उत्थान काल में आकर इन्हीं पर समाप्त। और ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जो पर्व त्योहार पे लिखने की एक परंपरा चल रही थी, ये मिश्रा जी से ही आकर समाप्त हुई। हाँ, संवाद पत्रों में होली दिवाली आदि के अंकों में उसका आभास बना रहता था। लोक सामान्य स्थायी विषयों पर मिश्र जी ने केवल दो लेख लिखे हैं, प्रति और क्षमा। द्वितीय उत्थान के आरंभ काल में इस प्रभावशाली लेखक के उदय की ज्वाला आभा हिंदी साहित्य गगन के में कुछ समय के लिए दिखाई पड़ी, पर खेद है कि अकाल में ही विलीन हो गई। पंडित माधव प्रसाद मिश्र के मार्मिक और ओजस्वी लेखों को जिन्होंने पढ़ा, उनके हृदय में मधुर रिश्ते अवश्य बनी गए। उनके निबंध अधिकतर भावात्मक होते थे और धारा शैली पर चलते थे। उनमें बहुत सुंदर मर्म पद का अनुसरण करती हुई स्नेह वाक धारा लगातार चलती रहती। इनके गद्य के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं। चलिए देखें, आर्यवंश के धर्म कर्म और भक्ति भाव का ये प्रबल प्रभाव, जिसने एक दिन जगत के बड़े बड़े सन्मार्ग विरोधी भूधरों का दर्प दलन कर उन्हें रज में परिणित कर दिया, और इस परम पवित्र वंश का वह विश्व व्यापक प्रकाश
जिसने एक समय जगत में अंधकार का नाम तक ना छोड़ा था, अब कहां इस गुण एवं मर्म स्पर्शी प्रश्न का यही उत्तर मिलता है कि सब भगवान महाकाल के पेट में समान, जहां महा महा महीधर लुढ़क जाते थे और अगाधा अतर स्पर्श के जल था, वहां अब पत्थरों में दबी हुई एक छोटी सी किंतु सुशीतल वारी धारा बह रही, जहां के महाप्रकाश से दिगंत उद्भाषित हो रहे, वहां अब अंधकार से घिरा हुआ स्नेह सूर्य प्रदीप दिमदिमा रहा, जिससे कभी कभी यह गुहा प्रकाशित हो जाता। भारतवर्ष की सुख शांति और भारतवर्ष का प्रकाश अब केवल राम नाम पर अटक गया है, पर जो प्रदीप स्नान से परिपूर्ण नहीं है तथा जिसकी रक्षा के लिए कोई उपाय नहीं है, वह तब तक सुरक्षित रहे। ये था मिश्रा जी का उदाहरण। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। अब रही बात आपके जानने की बात, सो जहाँ तक आप जानते हैं वहां तक तो सब सफाई है। आप जहाँ तक जानते हैं महाकवि श्री हंस के काव्य में सर्वत्र गांठे ही गांठे हैं और श्रीधर जी की कविता सर्वतो भाव से प्रशंसित है। आप जहाँ तक जानते हैं आप संस्कृत हिंदी बंगला आदि इस देश की सब भाषाएं जानते हैं और हम वेबर साहब की करतूत से भी अनभिज्ञ हैं। आप जहाँ तक जानते हैं श्री हर्ष लाल कुजक्कड़ को भी माफ करता है और वेबर साहब ज्ञात बालक के समान ठहरता है। आप जहाँ तक जानते हैं हमारे तत्वदर्शी पंडितों ने कुछ ना लिखा और अंग्रेजों ने इतना लिखा कि भारतवासी उनके अव्यंग है। आप जहाँ तक जानते हैं नैसदा की प्रशंसा तो सब पक्षपाती पंडितों ने किया और निंदा दुर्ग्रह रहित पुरुषों ने की है। आप जहाँ तक जानते हैं डॉक्टर कूलर हाल आज साहबों ने जो कुछ लिखा युक्तिपूर्ण लिखा है और मिश्र राधा कृष्ण जी ने युक्ति, समझ रहे ना, अभी जिसके ऊपर बात हो रही थी वही है, उसी का उदाहरण है। आप जहाँ तक जानते हैं प्रोफेसर वेबर की पुस्तकों का अभी तक अनुवाद नहीं हुआ, वेबर साहब का ज्ञान हमें नए सुधाचार्य चर्चा में हुआ। चलिए एक और उदाहरण इसका दिया हुआ है। लोग केवल घर के ही नष्ट होने पर मिट्टी हो गया नहीं कहते और जगह इसका प्रयोग करते। किसी का भारी श्रम जब विफल हो जाए तब कहेंगे सब मिट्टी हो गया, किसी का धन खो जाए मान धन होगा यहाँ पे, मान मर्यादा भंग हो जाए, प्रभुता और क्षमता चली जाए तो कहेंगे सब मिट्टी हो गया। इसे जाना गया कि नष्ट होना ही मिट्टी होना है, किंतु मिट्टी होना इतना बदनाम क्यों किया जाता है? अकेली मिट्टी ही इस दुर्नाम को क्यों धारण करती है? क्या सचमुच मिट्टी इतनी निकृष्ट है? और क्या केवल मिट्टी ही निकृष्ट है, हम निकृष्ट नहीं है? भगवती वसुंधरे तुम्हारा सर्व सहा नाम यथार्थ। अच्छा माँ यह तो कहो तुम्हारा नाम वसुंधरा किसने रखा? ये नाम तो उस समय का है जब ये नाम व्यास वाली वाणी कच्छायन आदि सुसंतानों का दिया हुआ है। जाने वे तुम्हारे सुपुत्र इतने आदर से श्लाघा और श्रद्धा से तुम्हें पुकारते। उपन्यासों से कुछ छुट्टी पाकर बाबू गोपाल राम पत्र पत्रिकाओं में कभी कभी लेख और निबंध भी दिया करते थे। उनके लेखों और निबंधों की भाषा बड़ी चंचल चटपटी प्रागल्प और मनोरंजक होती। विलक्षण रूप खड़ा करना उनके निबंधों की विशेषता है। अद्भुत बात का चरम दृश्य दिखाने वाले ऐसे विलक्षण और कौतूहलजनक चित्रों के बीच से पाठकों को ले चलते हैं कि उनका एक तमाशा देखने का सा आनंद आता है। उनके रिद्धि और सिद्धि नामक निबंध का थोड़ा सा अंश उद्धृत किया जाता है। चलिए देख लेते हैं। अर्थ या धर्म अलाउद्दीन का चिराग है, यदि यह हाथ में है तो तुम जो चाहो सो पा सकते हो, यदि अर्थ
अधिपति हो तो वज्र मूर्ख होने से भी विश्वविद्यालय तुम्हें डीले की उपाधि देकर अपने तय धन्यवाद समझेगा। बरहे से पर चलने वाला नट हाथ में बांस लिए बरहे पर दौड़ते समय हाय पैसा करकर चिल्लाता करता था। दुनिया के सभी आदमी वैसे ही नट। मैं दिव्य दृष्टि से देखता हूँ कि खुद पृथ्वी भी अपने रास्ते पर हाय पैसा करती हुई सूर्य की परिक्रमा कर रही है। ठीक है, काल महात्म्य और दिनों के फेर में ऐश्वर्यशाली भगवान ने तो अब स्वर्ग से उतरकर दरिद्र के घर शरण ली है और उनके सिंहासन पर अर्थ जा बैठा है। बहुत बड़ी बात है, अर्थ के ही इस युग में अर्थ ही इस युग का पर ब्रह्म है। इस ब्रह्म वस्तु के बिना विश्व संसार का अस्तित्व नहीं रह सकता। यही चक्राकार चैतन्य रूप में कैश बॉक्स अहम प्रवेश करके संसार को चलाया करते। साधकों के हित के लिए अर्थ नीति शास्त्र में इसकी उपासना की विधि लिखी है। बच्चों की पहली पोथी में लिखा है, बिना पूछे दूसरे का माल लेना चोरी कहलाता है, लेकिन कहकर जोर से दूसरे का धन हड़प लेना क्या कहलाता है उसमें नहीं लिखा। मेरी राय में यही कर्मयोग का मार्ग है। कहने की आवश्यकता नहीं होती, अंश में बंग भाषा के प्रसिद्ध ग्रंथकार बंकिम चंद्र की शैली का पूरा पूरा आभास होता है। चलिए बाल मुकुंद बात करें। गुप्त जी का जन्म पंजाब के रोहतक जिले के बुरियादी गांव में संपत 1922 में और नृत्य समत 1964 में हुई। ये अपने समय के सबसे अनुभवी कुशल संपादक। पहले इन्होंने दो उर्दू पत्रों का संपादन किया, पर शीघ्र ही कलकत्ता के प्रसिद्ध संपादक पत्र बंगवासी के संपादक बने। बंगवासी को छोड़ते ही ये भारत में के प्रधान संपादक बन गए। ये बहुत ही चलते फिरते और विनोदशील लेखक थे, अतः कभी कभी छेड़छाड़ भी कर बैठते थे। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जब सरस्वती के भाग 6 संख्या 11 में अपने प्रसिद्ध भाषा और व्याकरण शीर्षक के लेख में अनिस्थिरता शब्द का प्रयोग कर दिया, तब इन्हें छेड़छाड़ का मौका मिल गया। इन्होंने आत्माराम के नाम से द्विवेदी जी के कुछ प्रयोगों की आलोचना करते हुए लेखमाला निकाली, जिसमें चंगुलबाजी का पूरा प्रयोग। द्विवेदी जी जैसे गंभीर प्रवृत्ति के लेख व्यक्ति को भी युक्तपूर्ण उत्तर के अतिरिक्त इनकी विनोदपूर्ण विग्रहता के लिए स्वर्ग नरक ठिकाना नहीं शीर्षक देकर बहुत थबता हुआ आल्हा कल्लू अल्हित के नाम से लिखना पड़ा। और मैं यहाँ पे एक चीज बता दूं आपको, बाल मुकुंद गुप्त जी को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और ये कई सारे प्रश्न यहाँ से करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। पत्र संपादन काल में इन्होंने कई विषयों पर अच्छे निबंध भी लिखे, जिनका एक संग्रह गुप्त निबंधावली के नाम से छप चुका है। इनकी रत्नावली नाटिका के सुंदर अनुवाद का उल्लेख हो चुका है। गुप्त जी ने समसामयिक और राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर कई मनोरंजक प्रबंध लिखे हैं, जिसमें शिव शंभू का चिट्ठा बहुत प्रसिद्ध है। गुप्त जी की भाषा बहुत चलती, सजीव और विनोदपूर्ण होती। किसी प्रकार का विषय हो, गुप्त जी की लेखनी उस पर विनोद का रंग चढ़ा ही देती थी। वे पहले उर्दू के एक अच्छे लेखक थे, उनकी हिंदी बहुत चलती और फड़कती हुई होती। वे अपने विचारों को विनोदपूर्ण वर्णनों के भीतर ऐसा लपेट कर रखते थे। कैसा लपेट कर रखते थे कि उसका आभास बीच बीच में ही मिलता था। विनोदपूर्ण वर्णात्मक विधान के भीतर विचार के भाव लुके छिपे रहते थे। यह उनकी लिखावट की एक बड़ी विशेषता थी। शिव शंभू का चिट्ठा से थोड़ा सा अंश नमूने के रूप में दिया जाता है। चलिए शिव शंभू का चिट्ठा के कुछ अंश पढ़ते हैं। इतने में देखा बादल पड़ रहे, छीने उतर नीचे उतर रहे, तबियत बुरबुरा उधर भंग उधर घटा, बाहर में बाहर। इतने में वायु का वेग बढ़ा, छीने अदृश्य,
अंधेरा छाया, बूंदे गिरने लगी। साथी तड़ तड़ भाड़ भाड़ होने लगी। देखा ओले गिर रहे, ओले थमे, कुछ बरसा, भूखी तैयार। बम भोला कहकर शर्मा जी ने लोटा भर चढ़ाई। ठीक उसी समय लाल टिक्की पर बड़े लाल मिट्टो ने बंग देश के पूर्व पूर्व छोटे लाल उर्वर्ण की मूर्ति खोदी। ठीक एक ही समय कलकत्तों में ये दो आवश्यक काम हुए। वेद इतना था कि शिव शंभू बरामदे की छत पर बूंदे गिरती और शिव शंभू के बरामदे की छत पर बूंदे गिरती और लाल मिंटो के सिर के छाते पर। भंग छानकर महाराज जी खटिया तट पर लंबी तानी और कुछ काल तक सुसुप्त के आनंद में निमग्न रहे। हाथ पांव सुख में पर विचार के घोड़े में को विश्राम का था। वह ओलों की चोट से बाजुओं को बचाता हुआ परिंदों की तरह इधर उधर उड़ रहा था। गुलाबी नसों में विचारों का तार बंधा कि बड़े लाट फुर्ती से अपनी कोठरी से में घुसे होंगे और दूसरे अमीर भी अपने अपने घर चले गए होंगे, पर वह चीन कहाँ गई होगी। हाँ, शिव शंभू को इन पक्षियों की चिंता है, पर वह ये नहीं जानता कि इन अपरिस्पर्शी अट्टालिकाओं से पर पूरित महानगर की सहस्त्रों अभागे रात बिताने को छोकरी भी नहीं रखती। चलिए अब आत्मा राम की टेटे सुन लो तुम। पंडित गोविंद नारायण, यद्यपि ये हिंदी के बहुत पुराने लेखकों में थे, पर उस पुराने समय में भी वो अपने फुफेरे भाई सदानंद मिश्र सार सुधाने की पत्र में कुछ सामयिक और साहित्यिक लेख ही लिखा करते थे, जो पुस्तकाकार छपकर स्थायी साहित्यिक में परिणित ना हो सके। अपनी गद्य शैली का निर्दिष्ट ये बात ध्यान रखी गई। अपनी गद्य शैली के निर्दिष्ट रूप अद्वितीय निर्दिष्ट रूप द्वितीय उत्थान के भीतर ही उन्होंने पूर्णतया प्रकाशित किया। इनकी लेख शैली का पता इसके सम्मेलन के भाषण और कवि और चित्रकार नामक लेख से लगता है। गद्य के संबंध में इनकी धारणा प्राचीनों के गद्य काव्य की सी थी। लिखते समय बाण और दंडी इनके ध्यान में रहा करते थे और ये प्रश्न पूछा जा चुका है अपनी परीक्षाओं में कि किसके लिखते समय किसके ध्यान में बाण और दंडी रहा करते थे। और वास्तव में ये ज्यादातर लोगों का प्रश्न गलत हुआ था, वो नहीं समझ पा रहे थे कि ये प्रश्न कहाँ से पूछ लिया गया। शुक्ल जी की किताब इसीलिए संजीवनी भूति कही जाती है। सॉरी, ठीक है। तो बाण और दंडी किसके लिखते समय किसके दिमाग में रहते थे? गोविंद नारायण मिश्र जी। पर यह बात प्रसिद्ध है कि संस्कृत साहित्य में गद्य का वैसा विकास नहीं हुआ। बाण और दंडी गद्य का अलंकार की छटा दिखाने वाला गद्य था, विचारों को उत्तेजना देने वाला, भाषा की शक्ति का प्रसार करने वाला गद्य, विचार पद्धति को उन्नत करने वाले गद्य का अच्छा उपयोगी विकास यूरोपीय भाषाओं में हुआ। गद्य काव्य की पुरानी रूढ़ी के अनुसार रूढ़ी के अनुसरण से शक्तिशाली गद्य का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता है, ये पंक्तियां ध्यान है। पंडित गोविंद नारायण मिश्र के गद्य को समास अनुप्रास में गुथे सब्त गुच्छों का एक अटकाला समझिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शुक्ल जी ने किसके गद्य को समास अनुप्रास में गुथे सब्त गुच्छों का एक अटकाला कहा है, ये प्रश्न आ चुका है, ध्यान रखिएगा। गोविंद नारायण मिश्र जी का ध्यान रखा करिए कि किस लेखक के बारे में कुछ ज्यादा प्रश्न पूछने का प्रचलन है ना। पाल मुकुंद गुप्त हुए, अगर अभी तक में बात की जाए आधुनिक में गोविंद नारायण मिश्र जी हुए, द्विवेदी जी तो भाई है, इन सबसे थोड़ा ज्यादा प्रश्न बच जाता है। शब्दावली दोनों प्रकार की रहती थी, संस्कृत में और ब्रजभाषा काव्य। एक और प्रागल्भ प्रतिभा स्रोत से में से समुत्पन्न शब्द कल्पना कलित अभिनव भाव अधिक है, तो दूसरी ओर तम तोम सटकती मुस्कुराती पूरन चंद की सकल मन भाई की जुड़ भाई।
यद्यपि ये गद्य की क्रीड़ा कौतुक मात्र है पर इस थोड़ी सी झलक भी देख लेनी चाहिए। ये झलक देखते हैं। साधारण गति का नमूना परंतु मंदमति अरसिकों के अयोग्य मलिन अथवा कुसाग्र चक्रों के स्वच्छ मलिन मन को भी यथोचित शिक्षा से उपयुक्त बना लिए बिना उन पर कवि की परम रसीली उक्ति छवि छवि टीका अलंकृत नख सिख लौ स्वच्छ सर्वांग सुंदर अनुरूप यथार्थ प्रतिबिंब कभी ना पड़ेगा। स्वच्छ दर्पण पर ही अनुरूप यथार्थ सुस्पष्ट प्रतिबिंब प्रतिफलित होता है। उसे सम्पन्न होते हुए कि अपनी प्रतिबिंबित प्रतिकृति मानो समता की स्पर्धा में आ उसी समय सम्पन्न करने आमने सामने आ खड़ी थी। ये साधारण गद्य था। अब देखते हैं काव्य में गद्य कर रहा होगा। शरद पूनों के समुदित पूरन चंद्र की छिटकी जुड़ाई सकल मन भाई के मुंह मले मसीमल पूजनीय अलौकिक पदन पदनक चंद्रिका के चमक के आगे तेजहीन मलिन और कलंकित कर दर्शाती लजाती सरस और सुधाक पर अलौकिक सुप्रभाव फैलाती अशेष मोह जड़ता प्रगाढ़ सटकाती निज भक्त जन मन वांछित बराब है मुक्ति मुक्ति सुचारु चारों मुक्त हाथों से मुक्ति लुटा मुक्ताहारी वीर छीर विचार सुर चतुर कवि गोविंद राज ये सिंहासन निवास मंद हासुरी त्रिलोक प्रकाश सरस्वती माता के अति दुलारे प्राणों से प्यारे पुत्र की अनुपम अनोखी अतुल बल वाली परम प्रतिभाशाली सुजान सुजन मन मोहनी नवरस भरी सरस सुखद विचित्र वचन रचना का नाम ही साहित्य है। क्या बात है। भारतेंदु के सहयोगी लेखक प्रायः उचित उत्पन्न उच्चरित आदि से ही संतोष करते थे पर मिश्र जी के लेखकों ने बिना किसी जरूरत के उपसर्गों का कुचल्ला जोड़े जनता को इन जाने बूझे शब्दों को भी समुचित समुत्पन्न समुच्चरित अभिनव करके अजनबी बना दिया। ठीक है, मतलब ये सारा ये देखिए यहाँ पे शब्द वही थे उनमें अपसर्ग छोड़कर प्रयोग किया गया तो वो नए शब्द लगने लगे। मृदुलता कुकिलता सुकरता समीपता रिचुता आदि के स्थान पे मार्दव कौटिल्य सौकार सामिप्य आर्चवादी ऐसे ही लोगों की प्रवृत्ति में लाए जाने लगे। अब इसके बाद बात करनी है हमको बाबू श्याम सुंदरदास जी की, बाबू साहेब की, जिनकी बात हम अपने अगले वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है। ठीक है, बहुत कम वीडियो रह गए हैं, बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। हम लोग बहुत बड़ी नदी को पार करके अब किनारे की तरफ लगने के लिए चले, तो ध्यान से सुनते रहिएगा। ये वास्तव में आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। ठीक है, आपका साथ बनाए रखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चारण में आज कुछ ज्यादा ही अपडाउन रहा होगा, कुछ ज्यादा समस्या रही होगी क्योंकि तबीयत ठीक है नहीं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।